किसान दोस्तों, किसान वीरां दी ये दिक्कत है कि झोना 20-22 दिन का हो गया है। झोने के पत्ते उत्ते चॉकलेटी निशान पै गए है। झोना बूटा नहीं मारिया, कद छोटा हो गया, खड़ पक हो गया, पत्ते पीले पै रहे है, पत्ते पाट रहे है, पत्ते जंगाले हो रहे है। तां ये जिहड़ी दिक्कत है ये क्यों हैगी है, किस तरह की घाट है, किवें दूर करनी है, ये बारे में इस वीडियो गल करदा है। मैं हाँ कुलदीप सिंह शेरगिल मरखाई, फतेह की सांझ पाउणी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान साथियों, ये सीधी सीधी जिंक की घाट है। ये कादी घाट है? जिंक की घाट है जो तुहानू लक्षण दसे है। वीडियो शुरू करन तो पहला आ जिहड़ी वीडियो जरूर देख लो फोटो, कि किसान ने ना खेत दे विच जिंक पूरी पाई है, वधिया कंपनी की पाई है, परंतु फिर भी देखो बूटे के हालात की होए है। पीले जंगाले चॉकलेटी निशान ते पत्ते पाटे हुए है, ते झोना कुछ जगह खड़पक होया पिया है। कारण पता की है? आप पानी का रंग देखो किहो जिहा होया पिया है, काला होया पिया, काला। लगातार खेत के विच किसान ने पानी भर रखिया, पानी सुकन ही नहीं दिता। जाला देखो इस खेत किन्ना मोटा बनया। तां एक ये भी कारण है कि तुसीं जिंक भावें जिन्नी मर्जी पा दिओ खेत दे विच, जेकर तुसीं खेत च पानी बड़ा भर रख्या, तो उत्तों गर्मी पै रही है, पानी तप गया, तो उस हालत दे विच जिहड़ी जिंक खेत च पाई है वो इहो जिहे रूप च बदल जाती है कि बूटा उहनूं खा ही नहीं सकता। ठीक है, हुण बहुते किसानां दे खेतां दे विच आही स्थिति है। तो जे तुहाडे खेत च स्थिति है, तुहाडे पत्ते हेठले पत्ते पीले, पुराने पत्ते पीले या जंगाले हो रहे, या चॉकलेटी निशान है, या पत्ते पाट रहे, या बूटा खड़पक हो गया, या बूटा फोट नहीं कर रहा, तो यदा मतलब जिंक की घाट है। तुसी कहने हो कि मैं वधिया कंपनी की वधिया जिंक थले पाई है, मान ली गल। हुण तुसी ऐ करो, जे इहो जी स्थिति है, पानी सुका दिओ। पानी नहीं जीरदा तां 1-2 किलो सल्फर पा के पानी नूं साफ करन दी कोशिश करो, ते नाल ही उपरले पासे जिंक की स्प्रे करो। जिंक की स्प्रे करन दे लई असी की करना है, 1 किलो 21% वाली जिंक लेनी है, नाल असी लेना है कली दा पानी। वो की करना हुंदा है कि 1/2 किलो असी जिहड़ा हैगा अणबुझिया चूना बाजार दे विच्चों लै लेना है। रात नूं उहनूं मिट्टी दे घड़े दे विच पा के भिओं देना है, जिन्ना मर्जी पानी पा लो उस, ठीक है, चंगे तरीके नाल हिला लो। रात नूं हिलाता, सवेरे उहदा नित्रिया पानी, सवेरे हिलाउणा नहीं, ना ही कोई कपड़ छान करन दी लोड़ है, जिहड़ा उत्ते नित्रिया नित्रिया पानी, जिन्ना भी 1/2 किलो कली दा पानी उह तुसीं लै लेना है। ते खेत जा के एक भांडे दे विच जिंक घोल लेनी है, ते एक पासे कली दा पानी रख लेना। तां इहदियां जिहड़ियां हैगियां, किले दा 100 लीटर पानी ला के असीं स्प्रे कर देना है। चाहो तो लोहा भी पा सकते हो, जे कितें लोहे की घाट है तो, परंतु जिहड़े खेतां जिन्ना पानी भरिया खड़ा, इत्थे लोहे की घाट घूट कादी होनी है। लोहे की घाट उत्थे आउंदी है जिस जगह पानी ना खड़ता होवे, इस करके लोहा पाउण दी कोई जरूरत नहीं। इत्थे कल्ला जिहड़ा हैगा जिंक ते कली दे पानी दे स्प्रे कर दिओ, तां इह जिहड़ी चीज़ है ठीक हो जाएगी। क्लीयर? हुण एक चीज़ इहदे च होर है, पहलां तुसीं देख लो कि नुकसान किन्ना करेगी। बई 14-15 मण झोने का किले मगर नुकसान कर सकती है, जे जिंक की घाट आ जाए। बहुती घाट आई तो बूटे मर भी जाते हैं ज्यों ही। तो 17-18% तक आम तौर पर जिंक की घाट के नाल झोने का नुकसान झाड़ का हो जाता है। एक वड्डी गल ये हैगी है कि जे बूटियां दे विच जिंक की घाट होए ते उत्तों कदे मीह ज़्यादा पै जाए, झोना पानी दब्बिया रह जाए, तां तुहाडे दो खेत है, एक खेत च जिंक की घाट नहीं हैगी, एक खेत च जिंक की घाट है। जिहड़े खेत जिंक की घाट है वह खेत जल्दी मर जूगा, जिहड़े खेत जिंक की घाट नहीं हैगी वह बच जाएगा। ये चीज़ नोट करो, आ सारी देखो नाल ना वीडियो देखी जाओ। ये जिहड़े मैं तुहानूं पत्ते दिखा रहा, यह सारे जिंक की घाट वाले पत्ते है, ये सारिया जिंक की घाट दी निशानियां है। जिथे कितने कन्फ्यूजन होया तुसीं उह मेरे तो पुछ सकते हो। तां ये जिहड़ा हैगा जिंक दे करके फोक पैंदी है, जिंक दे करके जिहड़ा हैगा झार घटदा है, ते कई बारी सल्फर ते लोहे दे नाल मिलदे जुलदे लक्षण भी इहदे आ जांदे है।
जिंक दे विच ना एक वड्डी गल ये हुंदी है कि किसान भीर इक्को गल जां जिंक दा रेट बड़ा महंगा हो गया, असी तां फलानी जिंक लियाउणी उह सस्ती पैंदी आ। सस्ता सुस्ता जिंक दे विच ना एक गल पल्ले बन्न लो, जिंक भावें 200 दी जगह 400 रुपये किलो हो जाए पाउणी पैणी है। सब तो चंगी जिंक हुंदी है 21% वाली, ते दो नंबर ते हुंदी है 33% वाली। इन्हां दोवें जिंक दी रिकमेंडेशन यूनीवर्सिटी करदी है। बाकी आ जिहड़े कोई बेवकूफ बनाउण वास्ते लोकां नूं कोई कहिंदा मेरी फलानी जिंक है ढौंकी जिंक है, इन्हां नूं भाई साइड ते रखो। यूनीवर्सिटी ने हजे इन्हां रिकमेंडेशन नहीं कीती, क्योंकि एवें एक वीर कही जांदा कि मेरी आ बायो जिंक है पालो जी फलानी है ये बहुत वधिया है। बायो जिंक दी कोई रिकमेंडेशन नहीं हैगी, क्योंकि जिन्ना तुहाडा टैंपरेचर हाई है तुहाडियां जमीनां 'च जैविक मादे की घाट है, पानी तुसीं भर के रखते हो, बहुती जिम जगह पर जमीना दे विच शोरा ज़्यादा है, उत्थे जिहड़ा हैगा जैविक मादा ना होण करके ते स्थितियां प्रतिकूल होण करके ये जिहड़े जीव जंतु है बैक्टीरिया काम ही नहीं करते। नाले बैक्टीरिया का कम तां करूगा ना जे जमीन 'च जिंक की मात्रा वध होवे, जमीन 'च ही जिंक है नहीं तो बैक्टीरिया कित्थों घोल के दे दू। ये करके आ बैक्टीरिया वाले तो बचो। कई वीर जिंक की जगह मिक्सचर दे जांदे आ 16 तत् है च, वो यार सानू 16 नहीं चाहिए, सानू जिंक की घाट है, जिंक चाहिए है। तो जिंक उस कि 5% जिंक कि 7.5%, ये कम ना करो। 21 या 33 पाओ। हुण एक वीर कह रहा कि मैं जिंक ऑक्साइड लेके आया जी, लिक्विड जिंक जिंक ऑक्साइड, वो मैं जी हैगी यूरिया ला के पा रहा, वो भरावा ये पानी घुलनशील ही नहीं हैगी। पहला कंपनी तो देख लो दावा की करती है, कंपनी यह कहती है कि जिंक ऑक्साइड सीड ट्रीटमेंट वास्ते वरतो, नरमा बीजना बीज सोध के बीजो, दे झोने का बीज सोध के बीजो, कणक का बीज सोध के बीजो। जे झोने के बासमती है तो ये सल्यूशन दे जड़ा डबो के खेत चलाओ, बहुत सोने रिजल्ट मिलते हैं, परंतु ये खेत च पाउण वास्ते नहीं हैगी। हुण कई वीर EDT है जिंक जमीन च पाई जांदे है, कोई रिकमेंडेशन नहीं आई, पता नहीं क्यों इस तरह करी जाते हैं। तो जे तुसी EDTA करनी है तो उसकी स्प्रे करो, भावें कि रिकमेंडेशन भी नहीं आई हजे, परंतु ठीक है असी स्प्रे करते हैं रिजल्ट मिल रहे हैं, परंतु उन्होंने जमीन वाले पासे ना आओ। कुल मिला के मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा है जे तुहाडे खेत दे विच पत्ते जंगाले है, पत्ते पाट रहे है, झोना खड़पक हो गया, झोना जिहड़ा हैगा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो इहदा मतलब कि जिंक की घाट दीआं इह निशानियां। खेत 'च जेकर पहलां जिंक पाई है तो उस समय जिहड़ा तुसीं खेत दे विच्चों पानी घट करो तो पानी हवा लवाओ तो उपर जिंक की स्प्रे करो। जे खेत 'च जिंक नहीं पाई तो जिंक पाओ। 21% वाली जिंक जे घाट आ गई है तो 25 किलो किले की पेगी, 33% वाली पेगी 15 किलो, तो जे घाट नहीं आई, जे तो हर साल जिंक पाने हो तो 21% वाली 10-12 किलो किले की बहुत है, तो 33% वाली 7 किलो बहुत है। जे एक साल छड़ के पानी है तो 21% वाली 25 पा लो, 33% वाली 15 किलो किले की पै जूगी। खड़ी फसल के घाट आने स्प्रे नूं तरजीह दिओ, जमीन 'च तां जिंक पाउणी ही पाउणी है, स्प्रे भी करो। सब तो वध घाट जिहड़ी हैगी है वह आउंदी है 15 दिन तो शुरू हो जाती है, जिवें जिवें झोना बूटा मारना शुरू करता घाट आउंदी है। 24-25 दिन तो बहुत ज़्यादा घाट के लक्षण बूटा दिखाउंदा है, तो यह घाट ना आवे। इहदे करके भरावो कोशिश करिया करो कि झोना लाउंदे सार जल्दी तो जल्दी खेत दे विच पहल दे आधार ते जिंक पाया करो, तां कि घाट ना आवे। क्योंकि जिन्ने दिन तुसीं जिंक लेट करती जे घाट आ गई तो उस तो बाद तुहाडे झोने दे 5-7 दिन 10 दिन खराब हो जाने, उहनां झाड़ घट जाणा। तां उम्मीद करदा है कि जानकारी लाहेवंद साबित होएगी, फायदा जरूर चकोगे। मेहरबानी दोस्तों।